साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों इस समय हम खड़े हैं बबीना के दिगंबर जैन मंदिर के पास, जो कि बड़े मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहां आज जैन समाज के तमाम लोग एकत्रित हुए हैं। इनके एकत्रित होने की वजह सिर्फ ये है कि झारखंड में जो श्री संवेद जी शिखर है वह जैन समाज का एक आस्था का केंद्र है और यहाँ से कई मुनियों ने जो है 24 जो तीर्थंकर हैं वो यहीं से मोक्ष प्राप्त किया है। तो ऐसे पवित्र स्थल को भारत सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। तो जैन समाज के लोगों का मानना है कि पर्यटन स्थल घोषित हो जाने से इस पवित्र स्थान की मर्यादा भंग होगी और वहाँ लोग व्यसन मांस मदरा जैसी चीज़ों का सेवन करेंगे, जिससे वहाँ पवित्रता वहाँ की समाप्त होगी। तो आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इन जैन समाज के लोगों के साथ। हमारे साथ यहाँ पे तमाम जैन बंधु मौजूद हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो है वो क्या मतलब जो है कर रहे हैं मार्केट में, किस तरीके से उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है जैन बंधुओं के साथ, और आज क्या रूपरेखा है, ये दफ्तियाँ लेकर के कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या मतलब करेंगे। आप ना पकड़ें। अनादिकाल से यह संवेद शिखर सिद्ध क्षेत्र जैन धर्म की धरोहर रहा है, क्योंकि ये मान्यता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों ने इस क्षेत्र से निर्वाण पद को प्राप्त किया है और अनंतानंत कोड़ा कोड़ी मुनियों ने यहाँ से मोक्ष पद को प्राप्त किया है, इसलिए इसे मोक्ष स्थली सिद्ध स्थली के रूप में माना जाता है। यह जैन धर्म की एक आस्था का केंद्र है। भारतवर्ष के का पूरे विश्व के लोग इसे उस पूज्यता का दर्जा देते हैं, जो एक बार वहाँ की मान्यता है कि जो एक बार बंदे जो कोई ताही नरक नहीं पशुगत होई, इस भावना को दृष्टिगत रहते हुए विश्व का कोई भी जीव ऐसा इस क्षेत्र से वंचित नहीं रहता होगा जिसने इस क्षेत्र की वंदना ना की हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम उस क्षेत्र पर जाकर के अपने जीवन का कल्याण करें। इस भावना से प्रत्येक व्यक्ति उस क्षेत्र से जुड़ा है और इसी भावना को हम दृष्टिगत रखते हुए कि उस क्षेत्र की परंपरा अक्षुण्य बनी रहे और जो इस सरकार ने उसके लिए पर्यावरण एवं तीर्थ पर्यटन के रूप में जो घोषित किया है वह हमारे लिए एक दुखद स्थिति बनती है, क्योंकि जिस क्षेत्र पर हम लोग नंगे पैदल चलकर के यात्रा करते हैं, बिना कुछ खाए पिए 20-20 घंटे तक यात्रा करके वापस आते हैं, और यहाँ पर लोग जब पर्यटन के बनेगा तो वहाँ पर लोग जुआ शराब मांस मछली इत्यादि का सेवन करेंगे, जिससे क्षेत्र को दूषित वातावरण पैदा होगा। हम यह सहन नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही हमारा एक आस्था का केंद्र हो उस पर पे यह इस तरह का कार्य संपन्न हो उसे हमारे लिए दुखद स्थिति है। इसका हम लोग पूरी सकल दिगंबर जैन समाज पूर्वरोध विरोध करते हैं और उसके विरोध में आज 21 दिसंबर को पूर्णता भारत बंद के अंतर्गत इस बबीना में भी विशाल रैली निकाल करके लोगों को प्रति जागरूकता लाना चाहते हैं कि हम संवेद शिखर हमारा है और जो हमें की प्राणों से भी प्यारा है, इस भावना को हम लोग आपके सामने रखते हैं। सरकार ने अगर ये अपने निर्णय को नहीं बदला तो फिर क्या रणनीति रहेगी आपकी? सरकार ने अगर अपने निर्णय को नहीं बदला तो आगे क्या रणनीति होगी आपकी? यदि सरकार निर्णय नहीं बदलती है तो हम लोग भी भले ही अल्पसंख्यक हैं लेकिन अल्प बुद्धि नहीं, हम लोग आगे भी और इससे भी विशाल रूप लेकर के उग्र प्रदर्शन करके सरकार को पास सरकार की नींव हिलाकर रख देंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा वर्ग भी मौजूद है, तो हम युवा वर्ग की भी राय लेना चाहेंगे। आप बताएंगे क्या है मतलब आज? मेरा ये कहना है, जिस तरह से हमारे पास ही में ओरछा है
तो वहाँ पे श्री राम जी का राजा के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है उनको, लेकिन उसको पर्यटक स्थल आपने घोषित किया, तो आज वहाँ पे क्या नहीं होता है? रिजॉर्ट्स में आप देखिए वहाँ पे अल्कोहल अवेलेबल है, गलत गलत काम हो रहे हैं, डांसर्स पार्टी सब हो रही हैं, तो ये चीज़ पर्यटक स्थल आप सम्मेद शिखर जी को जो कि ग्रीडी डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर अगर आप करेंगे तो ये हमारे लिए तो बिल्कुल भी, हमें तो आघात पहुँचेगा हर दिन ये सोचकर कि वहाँ पर अल्कोहल है, सब है, ये सब तो हमें बिल्कुल भी कतई मंजूर नहीं है। और यूथ, पूरा यूथ यहाँ का नहीं हर जगह का, ऑल ओवर इंडिया अपोजिशन पे उतरेगा, और गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि देश युवाओं को देखता है, अगर युवा आपके एंटी हो गए तो आप सचेत हो जाएं इस चीज़ के लिए। तो आपने देखा यहाँ हमने तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं ली, तो जैन समाज के लोगों का ये साफ तौर पे कहना है कि जब तक सरकार ये निर्णय वापस नहीं लेगी तब तक हमारा ये आंदोलन, हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ प्रिंस राज यादव की रिपोर्ट।